हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे, लिंक मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 के और वाले पार्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक को रेंट पे देता होगा, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी कि 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि उसके बाद 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड चार्ज होगा और उसके बाद एडिशनली जितने दिन आप रखोगे उसके बाद उतना ही ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो सरिता है जो कितना करती है, 27 रुपीज पेड करती है 7 दिन के लिए जब वो रखती है। तो 7 दिन के अंदर 3 दिन उसका फिक्स चार्ज होगा और 4 दिन का एडिशनल चार्ज होगा। उसी टाइप से सुसी है ना, वो 21 रुपीज पे करती है जब वो 5 दिन रखती है। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज और एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, दोनों हमें यहां पर बताना है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लेट करेंगे वहीं से जहां पर हमें पूछा गया है, तो हम लोग लेट कर लेंगे फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज फर्स्ट थ्री डेज का कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा एक्स, एंड एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज, है ना। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू कितना वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो कितना दिन के लिए सरिता रखती थी, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रखती थी। तो पहले 3 दिन के लिए उसका लगेगा कितना, एक्स रुपया है ना। 3 दिन के लिए लगा कितना, ₹1। अब बचा कितना, चार दिन बचा, और हर एक एडिशनल चार्ज, एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, ₹y। तो मतलब 4 दिन के लिए कितना होगा, 4y इज इक्वल टू कितना, 27। इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। बोलो समझ आया ना, बहुत अच्छी बात है। अब सुसी कितने दिन के लिए रखती है, सुसी रखती है सर 5 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए रखती है। तो इसका मतलब पहला 3 दिन का क्या होगा, चार्ज ₹100 होगा जो कि इसका फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। और फिर बचा कितना, 2 दिन, इस 2 दिन के लिए कितना भर्ती होगी, 2y, और इज इक्वल टू कितना, 21। इक्वेशन कौन सा, सेकंड। सॉल्व कर दो, आगे आंसर सॉल्व कर दो, क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। x आपका फिक्स्ड चार्ज निकल जाएगा, y आपका एडिशनल चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे ये मर गया तो कितना आ गया, दैट इज 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। इससे ये मर गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3। y इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में पुट कर दो। तो x प्लस 4 इंटू का 3 इज इक्वल टू कितना, 27 इज इक्वल टू कितना, 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना, 27। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 27 माइनस का 12 यानी कि 15। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ही सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन था ये, एकदम हलवा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।